स्वागत करतो मेरे चैनल ट्रैवल फूड टिकू पर। खाता है ना तो खायलाच पाहिजे। तो आज हम पहुंच चुके हैं गोवा, जो कि हमारे इंडिया का पार्टी कैपिटल है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ शायद से 5-4 बजे आया था। तो अभी तो फिर मैं बीच पे जाने वाला, तो आप वीडियो पूरा देखते रहना। मैं बस ट्रैवल व्हील डाल दूंगा, आप ट्रैवल व्हील भी देख लेना मैं ट्रैवल कैसे किया ट्रेन से। फ्रॉम मैं मुंबई आया हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हैशटैग्स रूम में ठहरा हूँ जो कि कलंगुट बीच पे है। तो कलंगुट बीच से आई थिंक सो ये 2 मिनट पे वॉकेबल है। तो अभी हम लोग थोड़ा चाय पीते हैं, तो मैं चाय पी रहा हूँ थोड़ा। तो चाय पी के डायरेक्ट बीच पे निकलते हैं। तो अभी मैं सनसेट देखने जाना है। तो ये पीछे जो है हमारा रूम है, तो यहाँ से 2 मिनट वॉकेबल है बीच, जैसे ओनर ने बताया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट देखने, थोड़ा बीच पे जाएंगे। इधर आप पैर भी गीले करेंगे एकदम। 1 साल हो गया बीच पे जाके, मुंबई में भी गया नहीं बीच पे, और अभी यहाँ पे गोवा में आके तो 2 साल हो गए। तो ये आ गया बीच एकदम मस्त, कलंगुट बीच पे हम लोग। तो कलंगुट से थोड़ा दूर है ये, बट कलंगुट बीच पे ही है हम लोग। तो ये आ गए हम बीच पे हम लोग। तो एक्चुअली ये कलंगुट के पास में है बीच, बट कलंगुट नहीं बोल सकते क्योंकि एकदम कॉर्नर में है। और मुझे शांति जगह अच्छी लगती है बीच पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है। तो यहाँ पे देख सकते कोई भी क्राउड नहीं है, शेक्स भी सब खाली है। साउंड देखिए एकदम, साउंड वेव्स के साउंड मस्त। तो अगर देखोगे ना तो ये राइट साइड पे मेन कलंगुट बीच है, और यहाँ साइड पे कैंडोलिम बीच। और यहाँ पे देख सकते हैं शैक्स बिक्स पूरे खाली है। तो नाइट में तो पूरा हैपनिंग रहेगा। हम लोग एक्चुअली शायद से बागा जाएंगे। तो यहाँ पे कैफे रोमा, लोग मजे कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा बीच ही बीच, यहाँ पे भी दूर दूर तक बीच ही बीच। और आप देख सकते हैं पता नहीं यहाँ पे पैरासेलिंग हो रहा है। सो गाइस हम लोग पूरा बीच पे अभी आ गए। ये देखो पानी भी नहीं एकदम मस्त। तो मैं सोच रहा हूँ कि एकदम टाइमलेस वगैरह निकालूँ सनसेट का, बट ऐसा सीन है कि भूख भी लगी है, खाने भी जाना है, और अपने खाने तो सबसे ऊपर ही है। अब वेव्स का आवाज़ सुन सकते हैं, देखो पूरे मस्त एकदम वेव्स का आवाज़ आ रहा है, खरखुर। वे उसके मत एकदम आवाज़ वगैरह आ रहे। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे अभी पीछे शैक्स है, शैक्स में बैठ जाओ। पर शैक्स के कुछ तो रूल्स है कि 150 रुपीज़ के ऊपर ही शायद से बिल वगैरह करना है, तो मतलब नहीं बनता है उससे। अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना दबा के हो जाएगा 150 में या फिर 200 में। तो थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ और फिर यहाँ पे शैक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 रुपीज़ पे, ये देखिए। और यहाँ पे सन सेट हो रहा है। तो ये हॉस्टल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, हैशटैग्स रूम। तो यहाँ पे वो मेरी गाड़ी खड़ी है GA11T1859। और यहाँ से अंदर ऊपर रूम्स है डॉम्स के, और यहाँ पे काउंटर है। तो ये है डॉम, यह भी हम लोग बालकनी में थे। और ये डॉम के अंदर ये बालकनी देखो, यहाँ से सामने बीच है, यहाँ से दिखता है। अभी साउंड तो आ रहा है, साउंड सुन नहीं सकते क्योंकि बहुत कम है। और ये अंदर डॉम अब देख सकते हैं, यहाँ पे कोई तो पहले से ऑक्यूपाई है यहाँ पे नीचे, और ऊपर खाली वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे सामने मेसी वाला मेरा पार्ट है। और ये 350 रुपीज़ में आपको इतना बड़ा फ़ैन भी है, मैंने आवाज़ आता है इसके लिए बंद करके रखा है। और यहाँ पे वॉशरूम सबसे मेन, और ये मैं सामने। और यहाँ पे वॉशरूम देख क्लीन है, मतलब कुछ मेसी वगैरह नहीं, एकदम ठीक ठाक। और यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे मिरर नहीं है, और ठीक है बाकी नॉर्मली है, इतना कुछ खास तो नहीं है।
सो गाइस आपने देखा रहेगा मैं जब पिज़्ज़ा खाने गया था तो पिज़्ज़ा मतलब मस्त था और जो एम्बियंस था एकदम कड़क था। तो अभी वहाँ का तो हो गया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा बागा बीच पे जाके आऊँ। तो बागा बीच पे तो मस्त हैपनिंग रहता ही है, मस्त हमेशा डीजे क्राउड और मॉर्निंग 5 बजे चालू रहता है, मतलब 5 बजे नहीं बट 12-1 बजे तक रुक जाएंगे। और ये अपनी फसिनो यहाँ पे, तो फसिनो जब मैंने गाड़ी ली तो सब पहले वीडियो बनाने के लिए कि मतलब कहाँ कहाँ पे डेंट है ना, तो बाद में चार्जेस लग जाते हैं, आपने जो 500 डिपॉजिट भरा रहता है तो उसमें से कट करके लेते हैं। और ज़रा साउंड ख़राब है क्योंकि मैंने अभी माइक नहीं, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बागा लेक में पूरा पूरा साउंड ही साउंड है। मैं माइक लाने का भूल गया, यहाँ देखो पूरा चैक वैक सब भरे हुए हैं और यहाँ पे पूरा बैठने के लिए पीछे लोग भी वैलेंटाइन वगैरह, यहाँ पे वैलेंटाइन का सीन, यहाँ पे डांस फ्लोर है ऊपर, तो एकदम मस्त है। मैं अगर सिटिंग करता तो मैं आपको बताऊँगा आगे क्या क्या यहाँ पे बियर। लॉलीपॉप और चिकन चिली ट्राई किया, मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो गोवा में फ़िश फूड अच्छा मिलता है तो फ़िश फूड ही ट्राई करना पड़ेगा। तो और अभी मैं फिर भी यहाँ पे भी शेक पे ही हूँ, तो शेक शायद से रात को 12 बजे तक बंद हो जाते हैं, अभी 11:30 हो गए और अब देख रहे व्यूज एकदम कड़क व्यूज, देखिए पूरा शेक 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 पूरा शेक, तो पूरा दूर दूर तो देखोगे ना 2 किलोमीटर शेक। और वो कलंगूट है वहाँ पे, तो छोटा वाला दिख रहा रहेगा, तो मैं वहाँ स्टे कर रहा हूँ पर मैं आया हूँ बागा में क्योंकि बागा बहुत हैपनिंग है। और आप भी अगर कभी आओगे यहाँ पे तो बागा में ही आना है। और बागा में जेवियर शेक में हूँ और शायद से इसके फ़ोटोज में फूड के पेज पे डाल भी दूँगा क्योंकि फ़ोटोज तो अच्छे आए थे, फूड वॉज नॉट दैट गुड।